अगर आप PH65 मशीन रिपेयर करते हो या फिर खुद का मशीन है तो आपको भी पता होगा कि ये मशीन में बहुत ज़ोर से हैमरिंग करता है, कभी कभी ये दिक्कत होता है मशीन में। तो आज के वीडियो में पूरा जानकारी आपको ये जो टॉपिक के ऊपर मिलने वाला है, तो ये जो दिक्कत है उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये बहुत नॉर्मल सा प्रॉब्लम है और उसका सलूशन भी नॉर्मल है, लेकिन बहुत लोगों ने इसको रिपेयर भी नहीं कर पाते हैं। तो चलिए मशीन को चला लेते हैं और देखते हैं उसका सलूशन क्या होगा। तो जैसे कि आपने देखा कि ये मशीन चालू कंडीशन में है, लेकिन ये साउंड इतना ज़ोर से कर रहा है, तो ये ऑड साउंड है। और दोस्तों इसको अगर आप बेड लगा के नीचे रखोगे ना, तो ये जो मशीन पूरा ऊपर नीचे होने वाला है, तो बॉडी को पूरा हिला देगा आपको, ये कंफर्टेबल नहीं है काम करने के लिए, हमारिंग भी नहीं होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या करना है, नैक में जो 4 एलिंग लगता है उसको खोल लेना है, और खोलने के बाद ऐसे ही आप उसको निकाल सकते हो। नैक को थोड़ा टाइट रहता है, ऐसे नीचे स्क्रू ड्राइवर घुसा के उसको निकाल सकते हो, ये देखिए। और यहाँ पे मुझे खोलते खोलते मुझे यहाँ पे पता चल गया कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए यहाँ पे, देखिए ये जो नैक के अंदर है ना, उसका स्टाइकर फंसा हुआ है, देखिए। ओके, इसको हम पीट के निकालते हैं, मतलब ये उसके अंदर फंसा हुआ है, तो इसके कारण आर्मेचर घूमेगा, पिस्टन ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये जो स्टाइकर है ना, ये स्टाइकर पूरा बॉडी को ऊपर नीचे करेगा। ओके, तो इस सिचुएशन में आपका हमरिंग बहुत ज़्यादा होगा, तो ये बॉडी को हिला देगा। तो ये है प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम क्यों हुआ है वो आगे मैं बताऊँगा। तो सबसे जो चीज़ है यहाँ पर है, तो इसको हमको खोल लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये पिस्टन है और ये पिस्टन पिन है, पिस्टन पिन सही है। अगर कभी कभी आप देखे होगे पिस्टन पिन खा जाएगा, तो इसका भी आपको उसको चेंज करना है। तो ये देखिए सब चूज यहाँ पे, मैं उसका कनेक्टिंग रॉड हमें चेक कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर कनेक्टिंग रॉड के अंदर वेयरिंग है, और कनेक्टिंग रॉड में नीडल वेयरिंग लगता है, तो इसको आपको ज़रूर चेक करना है, टाल वगैरह नहीं है या फिर है, अगर है तो चेंज करना है। दोस्तों अगर आपको कोई भी स्वेपर्स की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा, मेरा खुद की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके खुद आपको कोई भी एक पीस भी चाहिए, ज़रूरत है एक छोटा सा बेयरिंग का भी ज़रूरत है, तो आप वहाँ पे जाके ऑर्डर कर सकते हो, पेमेंट भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको 6 से 7 दिन के अंदर आपके घर में होम डिलीवरी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रॉब्लम के ऊपर जाता है, यहाँ पे देखिए ये जो ऑयल है, और ये ऑयल का ही दिक्कत है। ओके, यहाँ पे ऑयल 1 साल से उसको चेंज नहीं किया गया है, क्यों चेंज नहीं किया है, यहाँ पे देखिए 1 साल से ये ऑयल वहाँ पे ही पड़ा हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर ऑयल इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये पूरा ऑयल मशीन है। ओके, पूरा ऑयल के ऊपर डिपेंड करता है हमारिंग। तो ये जो ऑयल है, इसके अंदर एक स्पॉन्ज लगता है, इस स्पॉन्ज में एक एक मतलब बूंदा वो ऑयल जाता है अंदर, लेकिन दोस्तों 1 साल से ये ऑयल को चेंज नहीं किया गया है। क्यों नहीं चेंज नहीं किया गया है, क्योंकि इसमें ऑयल अंदर नहीं जा रहा है, ये दिक्कत है। अगर इसमें ऑयल नहीं जाएगा, और इसमें थोड़ा बहुत किसी ने ग्रीसिंग भी किया गया है, ग्रीस होता है, कोई इशू नहीं, ग्रीसिंग थोड़ा थोड़ा ग्रीसिंग किया जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं है। अगर ग्रीस ऑयल नहीं जाएगा, तो ग्रीस में जैसे ही फंसा हुआ था ऐसे ही फंसा होकर रह जाएगा, हमरिंग ज़्यादा करेगा। ओके, यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीस दिया गया है, ये जो स्पॉन्ज में स्पॉन्ज के ऊपर लग जाएगा, कभी भी ये दोस्तों ट्राई कीजिए आप कम से कम ग्रीस में इसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि पूरा प्योर ऑयल मशीन है। ओके, ऊपर में गियर साइड अलग है, वहाँ पे ग्रीस जरूर लगता है, लेकिन जो हमरिंग साइड है जहाँ पे स्टाइकर पिस्टन कनेक्टिंग रॉड जो भी है वो लगता है, उसमें 90% ऑयल में चलता है। ओके, तो ग्रीस जरूर दिया जाता है, लेकिन आगे बताऊँगा कहाँ पर ग्रीस देना है, कहाँ पर ऑयल देना है। ओके, सब कुछ क्लियर करूँगा। सबसे पहले दोस्तों मेन प्रॉब्लम जो है स्पॉन्ज का, उसको निकालेंगे, क्लियर करेंगे, दोबारा लगाएंगे, फिर हम जो भी आगे प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर मैं उसका जो जहाँ पे स्पॉन्ज लगता है उसके अंदर से उसको मैं खोल चुका हूँ, ये देखिए ये मेन चीज़ है, और इसमें रहता है ऑयल। ओके, ऊपर में जो 4 एलिंग के खोलने के बाद ये चीज़ आपको मिल जाएगा, उसको आपको ये जो स्पॉन्ज को निकाल के आपको क्लीन करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे पेट्रोल या फिर डीजल या फिर जो मिट्टी का तेल रहता है किरासिन, उसको भी यूज़ करके आप इसको क्लीन कर सकते हो। सबसे अच्छा है दोस्तों आप पेट्रोल यूज़ करो और इसको क्लीन करो। ओके, यहाँ पे देखिए मैं क्लीन कर देता हूँ। दोस्तों कुछ स्किप करना पड़ता है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आपको छोटा छोटा जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैं दिखाऊंगा, और जो भी चीज़ है मैं कट करके आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहा हूँ इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ। ओके, आप भी क्लीन कर लो, थोड़ा पीट भी वो जो हमारे में पीट लीजिए, वो जितने भी अंदर जो डस्ट वगैरह जहाँ पे जो चीज़ रहता है वो बाहर निकल जाएगा। ओके, आपको दोस्तों मैं दोबारा बता रहा हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको
हर स्पेयर पार्ट्स की लिंक मिल जाएगा। अगर आपको ख़रीदना है कोई भी पावर टूल्स का स्पेयर पार्ट्स हो, आपको मैं ट्राई करूँगा। अभी अभी शुरुआत हुआ है, ये दोस्त से 3 दिन पहले शुरुआत हुआ है, कुछ कुछ स्पेयर ऐड हुआ है। और आप भी अगर आप लेट में देख रहे हो वीडियो, तो कंपलसरी इसमें सब कुछ ऐड हो गया होगा, तो आप ज़रूर जाइए ट्राई कीजिए। कोई भी छोटा से छोटा स्पेयर पार्ट्स आपको होम डिलीवरी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों आप अगर जा रहे हो तो ज़रूर ये ध्यान दीजिए, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। अगर कैश ऑन डिलीवरी अगर आपको चाहिए तो बिल्कुल मत जाइए, क्योंकि मैं वो काम नहीं करता हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने ऑर्डर कर देते हैं रिसीव नहीं करते हैं, उसके वजह से कैश ऑन डिलीवरी मेरा क्लोज हो चुका है। तो अगर जा रहे हो तो ज़रूर वहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिए कि इसमें पेमेंट कीजिए, और आपको 100% आपको पार्सल मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे दोस्तों देखिए मैं वो स्पॉन्ज को मैं क्लियर कर चुका हूँ। यहाँ पे देखिए मैं फिर लगा लूँगा, आप थोड़ा एक पिन यूज़ करके उसके अंदर जो भी होल है वगैरह उसको थोड़ा क्लियर कर सकते हो। ये एक स्पेशली स्पॉन्ज है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो मार्केट में ये ज़्यादा नहीं मिलता है। अगर आपके मार्केट में मिलता है तो ये भी मेरे पास भी अवेलेबल नहीं है। अगर ट्राई करूँगा मैं उसको अवेलेबल करने के लिए, अगर लेट में देख रहे हो तो जाइए, अगर अवेलेबल होगा तो PS65 की साइड में जाइए, वहाँ पे सब कुछ हर स्पेयर पार्ट्स की आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए ऐसे ही आप उसको लगा सकते हो, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है, कोई भी लगा सकता है। और ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, अगर आपके PS65 ब्रेकर मशीन में अगर ये ऑयल ख़त्म नहीं हो रहा है तो फिर दिक्कत होगा। ये ऑयल आपको अगर कंटिन्यू काम कर रहे हो तो 15 से 20 दिन के अंदर ये कंपलसरी ख़त्म होने वाला है। अगर थोड़ा बहुत काम कर रहे हो तो 1 महीना जाएगा, लेकिन कंटिन्यू काम करो 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन जाएगा ऑयल, फिर आपको चेंज करना है। अगर नहीं जा रहा है तो दिक्कत है, अगर ऑयल नहीं जाएगा 100% आपका जो पिस्टन के नीचे जो स्ट्राइकर रहता है वो जाम हो जाएगा। जाम होने के बाद सेम ये जो प्रॉब्लम होता है ना ज़्यादा हमरिंग का, तो ये दिक्कत होता है। तो ये जो प्रॉब्लम के ऊपर बहुत लोगों ने मुझे कॉल करते हैं, भाई ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मुझे ज़रूर दीजिए। वैसे भी मेरा वीडियो पहले था और किस कारण वो डिलीट हो गया था, क्योंकि ये वीडियो में सबसे पहला वीडियो मेरा था और वो कुछ दिक्कत के कारण यूट्यूब से डिलीट हो गया है। क्योंकि बैकग्राउंड साउंड मेरा जो म्यूजिक दिया था मैं यूट्यूब से ही कॉपी करके दिया था, तो उसके वजह से मुझे वो उसको डिलीट करना पड़ा। ओके दोस्तों, और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको फिटिंग बताऊँगा। ये जो PS65 ब्रेकर मशीन है ये फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिटिंग गड़बड़ी करोगे तो ज़रूर सेम प्रॉब्लम होगा। आप कहीं पे ग्रीस दे दो कहीं पे ऑयल दे दो तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो ये बात कि अभी आप फिटिंग कर रहे हो ऑयल वगैरह देकर छोड़ दोगे, लेकिन कुछ टाइम के लिए वो परफेक्ट हमरिंग करेगा, फिर वहीं दिक्कत होगा। तो फिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिटिंग कैसे किया जाता है वो मैं आगे बताऊँगा। क्लीन कर लीजिए, पेट्रोल यूज़ करके मैं यहाँ पर क्लीन कर रहा हूँ, तो परफेक्टली ट्राई कीजिए क्लीन करने के लिए, क्योंकि जो डस्ट वगैरह यहाँ पे फंस बहुत ज़्यादा भर के हो रहता है, तो क्लीन कर लीजिए। और यहाँ पे दोस्तों क्लीन हो चुका है। सबसे मेन चीज़ यहाँ पे जो जहाँ पे ऑयल लगता है उसके अंदर स्पॉन्ज जिसको मैं क्लियर किया हूँ उसको आपको ये जो उसका बॉक्स में लगा के टाइट कर लीजिए 4 ठो एलंकी। तो इसको परफेक्टली टाइट करना है, क्योंकि ये हमरिंग मशीन है, ब्रेकर मशीन है, तो बहुत ज़ोर से हमरिंग करता है, इसके वजह से वाइब्रेशन भी होता है। अगर ढीला टाइट करोगे तो ये दोबारा ढीला होने वाला है, फिर वहाँ पे लीकेज होगा। तो ये गड़बड़ी मत कीजिए, टाइट कर लीजिए, कोई आसान कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी दोस्तों मैं ये पिस्टन को थोड़ा पोंछ लेता हूँ, और पोंछ के हम उसमें एल्डिंग लगाएंगे। दोस्तों ये बहुत लोगों ने ओरिंग बोलते हैं, लेकिन ये एल्डिंग है। तो एल्डिंग का लगाने का तरीका यहाँ पे आप देख सकते हो, प्लेन जो नीचे रहेगा थोड़ा ऊपर यहाँ बाहर की तरफ रहेगा, वो अच्छा चीज़ है, कोई इशू नहीं होगा। एल्डिंग का कभी कभी ख़राब होता है, ट्राई कीजिए इसको चेंज करने के लिए। यहाँ पर मैं चेंज कर लू चुका हूँ, एल्डिंग ज़रूर चेंज कीजिए। ओके, और दोस्तों हमेशा ट्राई कीजिए इसको स्मूथली, जो आप टाइट रहता है बहुत एल्डिंग आता है टाइट रहता है वो मत यूज़ कीजिए, हमेशा स्मूथ एल्डिंग यूज़ कीजिए, या फिर ओल्डिंग ओरिंग जो पे दूसरा मशीन में लगता है, हमेशा ये कोशिश कीजिए स्पॉन्ज जो स्मूथ रहता है उसको यूज करने के लिए। ओके, मैं यहाँ पे एल्डिंग का अच्छा वाला एयरिंग यूज कर रहा हूँ, और यहाँ पे थोड़ा ग्रीस दे के इसमें लगा लेंगे स्ट्राइकर पिस्टन पिन। ओके, कनेक्टिंग रॉड और पिस्टन को कनेक्ट करता है पिस्टन पिन, आपको उसको लगाना है, लगा के उसमें ग्रीस लगाना है। ओके, ग्रीस से कोई भी इसमें थोड़ा सा ग्रीस आपको देना है, ट्राई कीजिए जेली ग्रीस यूज करने के लिए। अगर जेली ग्रीस आपके पास नहीं है आइडियल का, तो जाइए मेरे वेबसाइट से, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा लिंक मिल जाएगा technicalsitam.co.in में, और वहाँ पे जाके परचेस कर सकते हो ये। ओके, और यहाँ पे देखिए इसका जो नेक है इसमें आपको ऑयल देना है,
ऑयल आप चारों तरफ पूरा अच्छा से ऑयल जरूर दीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं दो से तीन ठिपी उसमें ऑयल लगा चुका हूँ, पूरा अंदर तक आपको परफेक्टली ऑयल देना है। और ये गियर ऑयल, इंजन ऑयल, अगर आपको ये भी चाहिए तो लिंक मिल जाएगा, नीचे जाइए और लिंक में जाइए, परचेज कीजिए। कोई भी स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत है वहाँ पर जाइए, विजिट कीजिए, चेक कीजिए, बहुत सारा लिंक आपको मिल जाएगा। ओके, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा ग्रीस भी देना है। ओके, ये जो स्ट्राइक करे, मैं जहाँ पे ग्रीस दे रहा हूँ, जहाँ पे ऑयल दे रहा हूँ, ये ज़रूर ध्यान दीजिए। मत बोलिए कि ये चीज़ की मत कीजिए, मत वो मत कीजिए। दोस्तों मुझे जितना नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ओके, तो एक अगर आपको डाउट है तो एक नया मशीन खोलिए, चेक कीजिए, कोई इशू नहीं। ओके, यहाँ पे जो स्ट्राइक करे उसके अंदर थोड़ा जेली ग्रीस ज़रूर यूज़ कीजिए, जेली ग्रीस दीजिए, फिर आपको इसमें अंदर 2 से 3 ठिपी ऑयल ज़रूर दीजिए। ओके, और ऑयल देने के बाद उसको मिक्स कीजिए, ग्रीस के साथ ऑयल को मिक्स कीजिए, ये एक परफेक्ट चीज़ बन जाएगा आपका हमारिंग के लिए, वो परफेक्ट होगा हमारिंग, कोई इशू नहीं होगा। ओके, फिर आपको ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस जो स्ट्राइकर को नीचे रखिए उसके अंदर पिस्टन या फिर मशीन को, कंप्लीट मशीन को रखिए, बहुत ज़ोर से प्रेस कीजिए नीचे से, और एक बंदा को पकड़ लीजिए, और प्रेस करने के बाद दोस्तों ये एयर से अंदर चला जाएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या करते हैं, उसके जो सिलेंडर या फिर नेक में स्ट्राइकर को घुसा देते हैं, आसानी से उसको लगा के छोड़ देते हैं, ये बहुत गलत काम है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ कीजिए, कोई भी सुनेगा, मशीन परफेक्ट चलेगा। ओके, इसको देखिए अगर खींचोगे ना तो भी नहीं निकलने वाला है, क्योंकि ये बहुत ज़ोर से एयर से पकड़ के रख जाएगा, हो जाएगा काम, बन जाएगा आप खोलने के लिए, तो बहुत प्रेशर करना पड़ेगा उसको निकालने के लिए, तो ये परफेक्ट फिटिंग है। ओके दोस्तों, मैं ट्रेनिंग लिया हूँ खुद, ये पावर टूल्स की मशीनों पर ट्रेनिंग लिया हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई मतलब मेरे माइंड हिसाब से मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये परफेक्ट फिटिंग है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसको ट्राई कीजिए, ज़रूर सक्सेस मिलेगा आपको। ओके, फिर आपको क्या करना है, स्ट्राइक करके ऊपर में भी ऑयल देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे दिया, और चारों तरफ उसको मिक्स कर लीजिए, लगा लीजिए, हो जाएगा। फिर आपको ये जो नेक है उसको लगा लीजिए, फिर इसमें भी आप थोड़ा ऑयल दे दीजिए, परफेक्ट हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। दोबारा थोड़ा ऑयल दे दीजिए, क्योंकि ये अंदर चला जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। जो अगर आपको थोड़ा लग रहा है तो देना चाहिए, जो दारू जीते अगर ज़्यादा हो रहा है तो छोड़ दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो आपको इसमें नेक लगाना है, और इस नेक लगा के टाइट कर लीजिए स्क्रू, और जो एलेंकी चाटो एलेंकी लगता है उसको टाइट कर लीजिए, फिट कर लीजिए, काम बन जाएगा और कोई इशू नहीं होगा। ओके, अभी दोस्तों आपको टाइट करना है चाटो, लेकिन मैं इसको स्किप कर लेता हूँ और मैं आगे दिखाता हूँ। ओके, तो टाइट हो चुका है, अभी दोस्तों इसमें ऑयल डालना है, गियर ऑयल, इंजन ऑयल यूज कर सकते हो, पतला सा अगर ऑयल है तो अच्छा है, मोटा सा ऑयल है तो भी कोई इशू नहीं आएगा, आप यूज कर सकते हो। अगर ऑयल चाहिए तो भी आप जाके नीचे मुझे मेरी वेबसाइट पे खरीद सकते हो, या फिर ऊपर में दिए गए नंबर से मुझे कनेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों ऑयल देने के बाद फुल ऑयल दे दीजिए, मैं थोड़ा दिया हूँ उसको चेक करने के लिए। और ऑयल देने के बाद आप उसके ऊपर जो कवर है उसको लगा लीजिए, कवर के नीचे एक रबर लगता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत लीकेज करता है, उसको अगर सही है तो यूज़ कीजिए, अगर ख़राब है तो जाइए वेबसाइट में खरीदिए। यहाँ पर दोस्तों मशीन पूरा रेडी हो चुका है, कोई इशू नहीं है, अभी हम उसको चला लेंगे, चला के आपको दिखाऊँगा क्या कैसा साउंड आ रहा है, आवाज़ कैसा आ रहा है, हमारिंग करके भी बताऊंगा। यहाँ पे दोस्तों मशीन में जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है, कोई इशू नहीं है। आप चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इसमें भी या फिर कोई भी पावर टूल्स का स्पेयर पार्ट चाहिए तो ज़रूर नीचे जाके आप मेरा वेबसाइट में चेक कर सकते हो, परचेज कर सकते हो, होम डिलीवरी हो जाएगा, घर में डिलीवरी हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा। चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए। थैंक यू।